माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड़ प्यार है, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज सपनों के बारे में जानेंगे। बहुत रहस्यमयी दुनिया होती है सपनों की, लेकिन बहुत सच्ची दुनिया भी होती है। तो सपनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ बच्चों को एलर्जी क्यों होती है ये परवरिश टिप्स में हम जानेंगे, और आपके हथेली में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पास ऐसी कोई रेखा है जिसमें ऐसी पत्नी मिले जो आपको जीवन में बहुत सहयोग करे। इसके साथ साथ 7:30 बजे ज़रूर सुन लीजिएगा दिन भर शुभ शुभ समय, जिससे आपको काम करने में और सही निर्णय लेने में फायदा हो। साथ ही साथ हम गुड़हल के फूल के बारे में भी कुछ और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य सा दिखने वाला जो गुड़हल का फूल है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। तो जो हम स्वप्न देखते हैं वो ना केवल हमारे भविष्य की सूचना देते हैं, बल्कि साथ साथ वो हमारे शरीर और उसके होने वाले रोगों के बारे में भी बताते हैं। स्वप्न का विज्ञान क्या है, इसकी हमें बात करेंगे, इसकी हम आज बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सपनों को लेकर बहुत रिसर्चेस हुई हैं और अभी भी चल रही हैं। लेकिन उन सपनों के बारे में हम पहले जानते हैं जिसे यदि आप देख रहे हैं तो वह किसी रोग की सूचना है, और आयुर्वेद में चीज़ें लिखी हैं। आप खुद भी चेक कीजिएगा कि आप अमुक स्वप्न देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, तो निश्चित है कि आप उस स्वप्न से जुड़ी हुई बीमारी से परेशान होंगे। होंगे मतलब होंगे ही होंगे, जी हाँ, इतना एक्यूरेट है। ग्रीक औषधि शास्त्र के जन्मदाता, या हम कहें कि एलोपैथ के जन्मदाता हिप्पोक्रेटस ने भी सपनों का रोगों से संबंध बताया है। जी, आयुर्वेद में सपनों से संबंधित बहुत सारे लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। जैसे यदि आप अपने को सपनों में थका हुआ देखते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ समय के बाद अब रोग आपको घेर लेंगे, इसलिए अभी से अलर्ट हो जाइए। दूसरी चीज, कभी सपने ऐसे आते हैं जिसमें आप दर्द से कराह रहे हैं या दर्द से रो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कुछ महीनों में रोग आपको चपेटने वाले हैं। यदि रोगी व्यक्ति अपने स्वप्न में कुत्ता देखे, या खुद को ऊंट की सवारी करता हुआ देखे, या दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ देखे, या फिर वो विचित्र प्रकार की आकृतियों के साथ खान पान या शराब पीता हुआ देखे, तो वह ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस संबंधी प्रॉब्लम, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी पीड़ित होने वाला है, ऐसा कहा गया है। सपने में व्यक्ति स्वयं को गंजा होता हुआ देखे तो ये बड़ा अच्छा माना गया, या उसके बाल कट रहे हैं तो ये भी ठीक ठीक माना गया, यानी परेशानियों से आप निजात पाएंगे। और पूरा मुंडन होते हुए देख लिया तो क्या कहने, इसका मतलब कुछ बड़ी परेशानियां अब नहीं होंगी। यदि आप अपने आप को ऊंचाई पर चढ़ते हुए देख रहे हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि शरीर में ऐसा रोग होगा जो आपको बहुत कमजोर कर देगा। कई बार ऐसा होता है, ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं लेकिन पैर रपटना दिखता है, या कोई धक्का दे रहा ऐसा दिखता है, आदि आदि, मंजिल तक नहीं पहुंच रहे, तो ये रोगों का सूचक है। कभी कभी सपने में बड़ी घुटन होती है और उससे आंख खुल जाती है, ये क्या द्योतक है कि आपको अपनी नसों का और हृदय का बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी में फंस सकते हैं। बहुत से लोग इसे कहते हैं, भूत आ गया था मेरे ऊपर और वो भूत मेरी गर्दन दबा रहा था जिससे मुझे श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा नहीं है, श्वास लेने में दिक्कत या घुटन, किसी भी तरीके की घुटन, ये सपने में आपको दिख रही थी और आपको लग रहा था क्या हो गया है ये, आप उसे इतना ज्यादा रियलाइज कर रहे थे।
तो ये हृदय या रक्त संबंधी या नसों के संबंधी बीमारियों का द्योतक है। व्यक्ति सपने में अपने शरीर पर देखे कि बहुत सारे फूल पौधे बेल वगैरह उगाई हैं, उस पर पक्षी भी रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि जीवन में बड़े रोग का डर उत्पन्न हो गया है। अब आप अलर्ट होकर रहेंगे तब ठीक है, नहीं तो परेशानी होगी। यदि कोई व्यक्ति सपने में स्नान करता है तो यह नर्वस सिस्टम की कमजोरी या उसके आगे आने वाले रोगों की संभावना का संकेत है। यदि आप अपने आप को चंदन का लेप किया हुआ देखें तो रक्त संबंधी सावधानियां रखनी शुरू कर दें, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या और भी कुछ हो, नहीं तो आपको परेशानी होनी तय है। यदि आपको ये दिखे कि आपके शरीर पर बहुत सारी मक्खियां बैठी हुई हैं तो मान के चलना कि यह डायबिटीज का सिग्नल है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वप्न में नग्न देखता है तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। घोर निराशा, हताशा, भ्रम, नुकसान आदि हो सकता है। उपाय हैं सब, वो तो चिंता मत कीजिए, लेकिन ये जो संकेत हैं इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार व्यक्ति का थूक या मल पानी में डूब जाए तो आयुर्वेद के अनुसार उसकी मृत्यु निश्चित माननी चाहिए। बहुत उदास या वो सोच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम यदि स्वप्न में देखते हैं तो वो एक संकेत होता है कि हम फटाफट अपने शरीर को तैयार कर लें रोगों से बचाने के लिए। ऐसे ही कुछ और स्वप्न में मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ उन स्वप्नों का आपके शरीर से सीधा क्या संबंध है इसके बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे, लेकिन अल्पविराम के बाद। साढ़े सात बजे गुरुजी बताएंगे सपने में क्या दिखने पर क्या दान करें, कैसा होगा आपका जीवन साथी। आइए स्वागत है अल्पविराम के बाद और शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से। मेष राशि, प्रतिष्ठा के मामले में आपको काफी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। ना केवल नए व्यक्तियों से आप मिलेंगे बल्कि पुराने लोगों से भी मेलजोल बढ़ेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, सही भोजन लें और रोग से बचें। उपाय क्या करना है, गुड़ और पानी पीकर घर से निकले। वृषभ राशि, मन अजीब सा शांत रहेगा, किसी की याद से किसी पर गुस्सा आने की वजह से भटकाव हो सकता है, यानी आप में बदला लेने की भावना प्रखर हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा कि इस दिन किसी की गवाही नहीं देनी है और जो काम आप कर नहीं सकते हैं उस कार्य को करने के लिए कहना नहीं है, खासतौर से प्रोफेशनल लाइफ में, और कोई वायदा किसी से मत कीजिएगा किसी भी रूप में, अन्यथा आप उसे निभा नहीं पाएंगे, रिश्तों में खटास आ जाएगी। बस एक उपाय करें, दूध का दान कीजिए, काम पर जुट जाइए, प्रभु सब से करेंगे। मिथुन राशि, अपने दिमाग का इस दिन अच्छा प्रयोग आपको करना है, क्योंकि आप इस दिन कॉन्फिडेंस है, आपके विचार अच्छे हैं और इस दिन लिए हुए निर्णयों से आपको लाभ होगा। इसीलिए इस दिन मुंह से कोई गलत बात अपने लिए मत निकालिएगा। सावधानी, इस दिन अहंकार छोड़ना होगा, अहंकार में डूबकर कोई कार्य नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आटे का दान कीजिए, मस्त रहिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, यह दिन वैसे तो अच्छा है लेकिन मेहनत बहुत कराएगा, तब कहीं जाके आपको परिणाम मिलेगा। यह मेहनत आपके अंदर के विचारों के द्वंद्व के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, यानी आप अपने विचारों से इतने हैरान परेशान रहेंगे कि कोई परेशानी आपको हो सकती है। सावधानी रखें, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और उपाय क्या करेंगे, नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
तो हम लोग सपनों की बात कर रहे हैं, कुछ और बातें अब करते हैं आगे। सपने में बार बार मंदिर दिखने का अर्थ है कि अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी जीवन शैली बदल लेनी चाहिए, अन्यथा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि सपने में आप कुछ खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई परेशानी चुपचाप आपको घेरने वाली है, और मृत व्यक्तियों के साथ भोजन कर रहे हैं तो ये और भी खराब निशानी है। इसका मतलब है आपको रोगों से भी और आर्थिक नुकसान से भी, प्रतिष्ठा आदि की परेशानियों से भी बचना होगा। महामृत्युंजय कर लीजिए 11 दिन तक, एक माला रोज, सब ठीक हो जाएगा। एक काम और भी कर सकते हैं, यदि ऐसे आपको अनर्गल सपने दिखाई दे रहे हैं तो 11 दिनों तक पितरों को भोजन अर्पित कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग महामृत्युंजय का जप नहीं कर पाएंगे सुबह को, और शाम को जब आएंगे तो सूर्यास्त हो चुका होगा तो अभिषेक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पितरों को भोजन अर्पित आप कीजिए और मस्त हो जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि क्या इस सारे जो सपने हैं ये रोगी उत्पन्न कर रहे हैं हमारे अंदर? ऐसे हमारे पास सपने नहीं है क्या भारत के अंदर जिनसे रोग मुक्त हो? तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, हैं ऐसे स्वप्न हैं जिनको आप देखते हैं तो रोग मुक्ति होती है। जैसे आप अपने सपने में कुछ बहुत खास चीज देखते हो जो आपको चाहिए, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो अगर आपको नियमित रूप से दिखने लगे तो इसका मतलब है रोगों से मुक्ति होगी। अगर आपको सपने में दही दिखता है तो ये रोग मुक्ति का संदेश है। इसी तरह पूजा की अग्नि, बताशे, लड्डू और बछड़े के साथ गाय, हंस, पकता हुआ घी, ये सब देखना भी इस बात का संकेत है कि आगे आने वाले समय में रोगों से आपकी मुक्ति होगी और आप एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। सपनों में वनस्पतियों को देखना भी स्वास्थ्यप्रद माना गया है। जैसे अगर व्यक्ति सपने में सरसों के खेत या गन्ने के खेत देखे तो ये इस बात का द्योतक है कि कुछ समय के बाद आप निरोगी होंगे, हष्टपुष्ट होने शुरू हो जाएंगे। वहीं रोगी व्यक्ति अगर कल्पवृक्ष देखे, गूलर का पेड़ देखे तो वह मस्त हो जाए कि अब मेरे रोग जल्दी से कंट्रोल होने वाले हैं। अब जबरदस्ती सपना मत देख। एक सपना अक्सर आता है मेले में जाते हुए देखना, भीड़ की भीड़ मेले जा रही है नाचती गाती हुई, अच्छा हो गया। या फिर कभी कभी दिखता है कि ढेर सारा गोबर कहीं पड़ा हुआ है, यह भी अच्छा है, आप रोग मुक्त हो सकते हैं और आपको किसी की मदद से लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अपने घर में खेत नुमा आकृतियां दिखती हैं या शंख दिखते हैं, यह रोग मुक्ति का लक्षण माना जाता है। मंदिर के घंटे सुनना, आरती होते हुए देखना, गुरुजी द्वारा भजन सुनना, यानी स्वप्न में आपको भजन सुना रहे हैं, या आपके घर में पूजा वो कर रहे हैं, या आपके घर में आए हुए हैं भोजन कर रहे हैं, और ईश्वर माँ या गुरु द्वारा आपको संदेश दे रहे हैं कोई, ये तीनों लोग ईश्वर वाणी में से कुछ संदेश दे रहे हैं या माँ को संदेश दे रही हैं या गुरु को संदेश दे रहे हैं, यह भी रोग मुक्ति का कारक माना गया है। रोग ही नहीं बल्कि कोई बड़ी भारी परेशानी भी अब टल जाएगी, है ना? कितना रुचिकर विज्ञान, और मैं इसे विज्ञान कह रहा हूं क्योंकि यह परीक्षण पर खड़े हैं। आप भी परीक्षण कीजिए इसका। फिलहाल मैं आपको बताता हूं सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, भाग्य आज आपका अच्छा है, इसलिए आपके द्वारा लिए गए फैसले भी सार्थक सिद्ध होंगे। रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की फटाफट कोशिश कीजिए, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, आज नीले काले कपड़े ना पहने तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करेंगे, गुड़ थोड़ा सा ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ खाकर गुनगुना पानी पीकर घर से निकलिए। कन्या राशि, आज कुछ परेशानी से दिख रही है, आज कुछ परिवार में तनाव भी दिख रहा है, कुछ रिश्तेदार आपसे रूठ कर आपकी निंदा भी कर सकते हैं, इसकी वजह से आपको कुछ दुख या तनाव भी होगा।
एक सावधानी रखिएगा, यदि कोई आपकी निंदा कर भी रहा है या कोई और परेशानी भी है, तो चूंकि आपका दिन आज कमजोर है, इसलिए आप अपनी तरफ से वाद विवाद में मत उलझिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और एक उपाय कर दीजिएगा, पका हुआ भोजन जिसमें उड़द की दाल अवश्य हो उसका दान जरूर कर दीजिएगा। तुला राशि, इस दिन भाग्य पक्ष कमजोर है, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा, तभी आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। कार्यों में बार बार बाधाएं भी आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कार्य बन जाएगा, बस सावधानी रखिएगा। इस दिन व्याकुलता, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। बस एक उपाय कर लीजिएगा कि चने अथवा चने की दाल गौ माता को जरूर दें, फिर अपने काम पर जुटें, फिर वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष बहुत साथ नहीं दे रहा, परिवार में भी कुछ परेशानी दिखाई दे रही है, बच्चों की या बुजुर्गों की तरफ से, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, एक सावधानी जरूर रखिएगा, कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा लेकिन आप लड़ना मत, शांत रहना, अन्यथा खामखा आप ही अपने परिवार में परेशानी का कारण बन सकते हैं। उपाय क्या करना है, गुड़ और चना गौ माता को खिलाइए, अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, पिछले वर्ष के कार्य आगे बढ़ने वाले हैं, कुल मिला के ये 12 महीने आपके लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। इन 12 महीनों में खास तौर से मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल 2019, इन महीनों में विशेष रूप से तरक्की हो सकती है। यदि आप घर बदलना चाहते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इस समय में आप प्रयास कीजिएगा तो आपको ज़रूर लाभ होगा, लेकिन कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं है, धन के निवेश की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बिना सलाह मशवरे कोई कार्य मत कीजिएगा, कुछ मित्र भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा, उपाय करिए ना, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। हर बृहस्पतिवार आप गौ माता का ग्रास निकालेंगे जिसमें चना हो या चने की दाल हो, चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इकट्ठा महीने भर का आप किसी गौशाला में दे आइए, वो भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ाना आपको गाय नहीं मिलती, और मिलते भी हैं तो आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि उन तक नहीं पहुँच सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी एक बृहस्पतिवार महीने भर का सब दे आइए, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की, उसके बाद मैं आपको कुछ और विशेष सपनों के बारे में बताऊंगा। धनु राशि, धन की कमी आपको हो सकती है, किसी को उधार नहीं दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सावधानी जरूर रखें, चमड़े का प्रयोग इस दिन नहीं करें, चमड़े का कोई उपहार भी किसी को ना दें। उपाय क्या करना है, लाल रंग नहीं पहने, पीला और सफेद रंग जरूर आप पहनिएगा, लाभ होगा। मकर राशि, वाहन बहुत सोच समझ कर चलाने की जरूरत है, मन शांत नहीं है इस दिन, इसलिए कहीं ऐसा ना हो दुर्घटना कर बैठे, इसलिए घर से निकलने से पहले मन को शांत कीजिएगा और गुस्सा मत कीजिएगा, कोई आपके धुर करके तेजी से आपसे आगे निकल जाए तो कोई रेस वेस लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक सावधानी बरतिएगा, हरे वस्त्र पहनना इस दिन अवॉइड कीजिए, पीले वस्त्र पहनना प्रेफर कीजिए। उपाय क्या करेंगे, हरे कपड़े में मूंग की दाल का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, इस दिन विद्यार्थियों के लिए भी मानसिक अशांति नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है, या यदि आप कोई वाइवा वगैरह के लिए जा रहे हैं तो भी आप बहुत अलर्ट रहिएगा। इस दिन की एक सावधानी है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है, वाहन चलाने में भी, निर्णय लेने में भी, और इस दिन जल्दबाजी की वजह से लिए गए निर्णयों में आगे जाकर हानि होगी। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, ओम शुक्राय नमः का जप करके अपने काम पर जुट जाइए। मीन राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चलने का है, किसी को भी उधार नहीं देना है, और यदि आप धन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं या आंकड़ों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, बैलेंस शीट आदि कुछ बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा,
एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन झूठी गवाही मत दीजिएगा, किसी से झूठा वायदा मत कीजिएगा और रोग आपको ना पकड़े इसका भी ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, ओम हनुमते रुद्रात्काय होम फट का जप करें, काम पर जुटे, रोजी सब ठीक करेंगे। और अब परवरिश टिप्स। आजकल देखा गया है कि बच्चों को एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उनकी सांस में बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। आप एक कार्य करना शुरू कर दीजिए, दालचीनी का तेल ले आइए और बच्चों की पीठ और छाती पर आगे दालचीनी का तेल रात में मल के फिर अच्छे से उन्हें उड़ाकर सुलाना शुरू करिए। ये बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बहुत बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। इससे सांस की जो एलर्जी है उसे रोकने में मदद मिलती है, लेकिन यदि ये ज़्यादा बढ़े तो चिकित्सक सलाह अवश्य ले लीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों को एलर्जी होती है वो चिड़चिड़ाते बहुत हैं, तो कुछ दिन उनकी चिड़चिड़ाहट बर्दाश्त कर लीजिएगा। आ रहा हूं अल्पविराम के बाद और उसके बाद बताऊंगा आपको दिन भर के शुभ अशुभ समय की बात, आपके हालचाल, हथेलियों में आपको कैसी पत्नी मिलेगी ये बताऊंगा आज, और कुछ सपनों के बारे में। बने रहिए साथ। साढ़े सात बजे गुरुजी बताएंगे सपने में क्या दिखने पर क्या दान करें, कैसा होगा आपका जीवन साथी। आइए स्वागत है ब्रेक के बाद और सबसे पहले जानते हैं दिन भर के शुभ अशुभ समय का हाल। आज राहु काल रहेगा 10:46 से लेकर 12:23 तक। गुलिक काल रहेगा 7:32 से सुबह 9:09 तक। कोई विशेष मंगल कार्य इसमें मत कीजिएगा। यमगण काल दोपहर में 3:37 से लेकर 5:14 तक। बहुत अच्छे कार्य के लिए इसे अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छे कार्य के लिए जो समय है अभिजीत मुहूर्त वह है 11:57 से लेकर 12:49 तक। इस समय में बढ़िया डिसीजन लीजिए, कोई विशेष कार्य करना हो तो जरूर कीजिए। दो मुहूर्त रहेगा सुबह 8:30 से 9:22 तक, ये भी ठीक नहीं है कार्य करने के लिए। और दूसरा दो मुहूर्त है 12:49 से लेकर 13:41 तक, ये भी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अमृत काल आपको मिलेगा 3:26 से 5:13 तक, और इस समय आप कोई भी रुका हुआ कार्य है, कोई भी विशेष कार्य, मंगल कार्य आदि करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए सपनों की बात करते हैं। सपने में लाल रंग दिखना अच्छा नहीं होता, ये रक्त बहने का सूचक होता है। ऐसे में गुड़ का दान देना शुरू कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। यदि पुरुष को बार बार किसी स्त्री के स्वप्न में दर्शन हो तो यह पुरुष के खराब स्वास्थ्य और मानहानि का सूचक है। यदि सपने में बार बार आपको कोई स्त्री दिखे तो मान के चलिए कि स्वास्थ्य हानि और मानहानि भी हो सकती है। क्या करना होगा इसे में, अपने इष्ट का सुबह शाम जप करना शुरू कर दीजिए। यदि सपने में बार बार वह स्त्री के साथ कहीं जाता है तो यह उनका मन कमजोर होता चला जा रहा है, इस बात की निशानी है और सपने नहीं, तो ऐसे व्यक्ति कुछ समय के बाद कमजोरी, अकेलेपन और आलस्य का अनुभव करेंगे और ये नुकसानदायक सिद्ध होगा। यदि किसी स्त्री को बार बार कोई बाहर का पुरुष दिखाई दे तो ये सेहत की खराबी की निशानी है, मतलब उसके साथ वैसे कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक बस कोई पुरुष दिखाई देता है, ऐसी स्थिति अगर है तो ये सेहत खराब होने वाली इस बात की निशानी है। और ऐसे स्वप्न यदि अधिक होते चले जाए तो इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि मन बहुत बुरी तरह थक चुका, अब आपको जरा सा आराम चाहिए, या हम बहुत दुखी हो चुके हैं थोड़ा सा आराम चाहिए। अक्सर ऊपर से गिरने के सपने आते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्य सूचक है और इसका अर्थ है कि संकट आने वाला है। कैसा संकट, जो धन और मान की हानि करवा देगा। सावधानी से रहना इस समस्या का सबसे बड़ा उपाय है। वैसे ये कफ प्रकृति का भी सूचक है, इसलिए कफ से संबंधित किसी रोग होने का भी यह संकेत दे रहा है। एक और, यदि बार बार स्वयं को रोगी होता हुआ देखे तो तुलसी जी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो रक्त से संबंधित कोई रोग
निकट भविष्य में हो जाएगा। तुलसी जी का क्या प्रयोग करना है, सुबह सुबह के एक पत्ते को धोकर जीभ के नीचे रखकर खूब चूसिए और शाम को जब भी आप घर वापस लौटे तुलसी जी के गमले के पास एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। यदि सपने में कोई गला दबाए या सोते सोते सांस की दिक्कत हो या स्वप्न में आप स्वयं का मर्डर होते हुए देखें तो भी यह सावधानी की जरूरत है। इसका एक और तो यह अर्थ है कि श्वास संबंधी परेशानी, मोटापा, गैस संबंधी परेशानी आदि ये आपको शीघ्र परेशान करने वाली हैं। तो दूसरी ओर इसका अर्थ ये भी है कि आपका व्यापार और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाले हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे में नियम से अपने इष्ट की आराधना करें और अपने हाथ पर सूर्य, राहु और बुध के पर्वत का अध्ययन करते रहें। आपको अब तो पता ही है ना, सूर्य कहाँ है, ये रिंग फिंगर के नीचे, ये बुध हो गया सबसे छोटी उंगली के नीचे और ये वाला हिस्सा हो गया राहु। तो इन तीनों स्थानों का आप अध्ययन करते रहिए और साथ ही साथ जो जीवन रेखा होती है, ये होती है ना जीवन रेखा, मैंने कई बार आपको बताया, इस रेखा का भी ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है, यहाँ यदि तिल आ रहे हैं, कोई ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं तो आप महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दीजिए या सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए या ओम रुद्राय नमः का जप करना शुरू कर दीजिएगा 43 दिन तक, बाकी सब ठीक करेंगे प्रभु जी, कोई ज़्यादा टेंशन तनाव की बात नहीं है। एक व्यथा लेते हैं, प्रभाकर जी जानना चाहते हैं, आर्थिक समस्या को लेकर परेशान है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो बन जाएगा, टेंशन किस बात की। आपके इष्ट है नारायण, ओम नारायण नमो नमः का रोजाना जप कीजिए हल्दी की माला से कम 5 माला जप कर लीजिए, सुबह या शाम या रात का जब आपको मौका मिले तब कर लीजिए, एक चीज। दूसरी चीज यह है, एक तांबे का कड़ा पिताजी के हाथ से दाहिनी कलाई में धारण करें और रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें और हर शनिवार को एक मुट्ठी जौ लें, एक चम्मच दूध से उसको धोकर और किसी भी गरीब को दे दीजिएगा। ये उपाय करने से चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, आपके जीवन में संघर्ष है और ये हमेशा चलेगा। जब धन आने लगेगा तो खर्चे कुछ इस तरीके से बढ़ जाएंगे कि वो धन भी कम लगने लगेगा। इस समस्या से बचने के लिए भैंस की सेवा किया कीजिए और कुछ रोगियों की भी जो बन पड़े वैसी सेवा किसी भी दिन, इसका कोई दिन निश्चित नहीं करता हूं मैं, किसी भी दिन वह सेवा जरूर किया कीजिए। महीने में कम से कम एक दो बार तो सेवा हो ही जाया करे, ठीक है। ये उपाय करने से निश्चित रूप से 6-8 महीने के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा, तरक्की शुरू हो जाएगी। और अब हथेलियों से, लड़कों के भी बड़े ख्वाब होते हैं, ऐसा नहीं है। लड़का चाहता है कि उसकी जो पत्नी हो वो बड़ा सहयोग देने वाली हो, साथ देने वाली हो, क्योंकि मुश्किल हालात किसी के भी साथ होते ही। मिलेगा साथ कि नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आपके शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं हैं जो जीवन रेखा के साथ साथ चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, इस प्रकार की यदि रेखाएं हैं, आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो आपको साथ देगी और आपके साथ खराब परिस्थितियों में भी खड़ी रहेगी। अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार दे रहा हूं, वो युवाओं से कहते हैं, आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के समान मांसपेशियों और वज्र के समान स्नायुओं की। हम बहुत दिनों तक रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं, अब अपने पैरों पर उठ खड़े हो एवं मनुष्य बनो। बड़ी गहरी बात है, इसे बार बार सुनिएगा, जोश आ जाएगा और चलने के लिए राह भी मिल जाएगी। एक अल्पविराम ले रहा हूं और लौट कर मैं कुछ सपनों के बारे में बताऊंगा और एक सपन के बारे में ऐसी अद्भुत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि आपकी आंख खुली रह जाए। फिलहाल भी खोले रही आंख, मैं आ रहा हूं अल्पविराम के बाद।
पांच मिनट में गुरुजी बताएंगे सपने में क्या दिखना शुभ होता है। आइए स्वागत है अल्पविराम के बाद और स्वप्न की बात करते हैं। यदि स्वप्न में किसी को मृत व्यक्ति दिखे या लाश दिखे तो समझिए कि आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, उपाय कर लें। ऐसे में चंद्रमा और आपकी कुंडली का जो भी भाग्य का मालिक हो उस ग्रह की आपको खिदमत कर दिए, उपाय कर लें। दूध का दान चंद्रमा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बाकी आपका जो भी भाग्य का ग्रह है उसका कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा, लाभ हो जाएगा, परेशानियों से बच जाएंगे। और कुछ भी नहीं पता यदि तो आप सूर्य को जल देना शुरू करिए और जो भी आपके इष्ट हैं रोज़ाना उनके चरणों में पुष्प भेंट करके, प्रणाम करके, ध्यान करके फिर काम पर जुटा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यदि सपने में बार बार बच्चा दिखे, ये अक्सर होता है, स्वप्न में कभी कभी बार बार एक बच्चा दिखना शुरू होता है, वो कंटिन्यूसली दिखता है, कभी खेलता हुआ, कभी भागता हुआ, कभी पढ़ता हुआ, कभी साथ साथ बस ऐसे ही चल देगा, ये शुभ संकेत है। ये संकेत है परिवार में वृद्धि होने का। और यदि वो बच्चा आपसे बोलता है, बातचीत करता है स्वप्न में, तो और भी अच्छा है। तो अगर कोई महिला बार बार ये स्वप्न देखे तो आश्वस्त रहे कि परिवार में कोई फरिश्ता आने वाला है। स्वप्न की जब हम बात कर ही रहे हैं तो पहली चीज कि स्वप्न आपको लगातार दिखे और वही स्वप्न लगातार दिखे। अगर रोज कुछ ना कुछ नहीं देखते हैं तो उसका कोई मूल नहीं है, लेकिन एक ही स्वप्न बार बार देख रहे हैं, काफी बार देख चुके हैं तो उसका मूल है। इसके साथ साथ स्वप्न में पहर का बहुत मतलब है, यानी कौन सा स्वप्न किस पहर में देखा गया, किस तिथि में देखा गया, इसका बहुत महत्व है। नोट कर लीजिए कहीं, शुक्ल पक्ष में देखे गए सपने अधिक सार्थक सिद्ध होते हैं। शुक्ल पक्ष की 13वीं से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के बीच के जो स्वप्न होते हैं, शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि के बाद से लेकर और शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक का जो स्वप्न होता है ये बहुत सार्थक सिद्ध होता है। अमावस्या से 5 दिन पहले से लेकर 5 दिन बाद तक के स्वप्न बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं, परंतु चतुर्थी और सप्तमी को देखे गए सपने सार्थक नहीं होते। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भोर का सपना सच होता है, निरर्थक नहीं है, पूरी तरह सच है। हर पहर में देखा गया सपना सच होने में अपना समय लेता है, लेकिन भोर का सपना बहुत समय नहीं लेता। रात के पहले पहर में देखा गया सपना 1 वर्ष में फल देता है, दूसरे पहर में देखा गया सपना 6 महीने में फल देता है, तीसरे पहर में देखा गया सपना 3 महीने में फल देता है और सुबह यानी चौथे पहर में देखा गया सपना 1 माह में ही फल दे देता है। लेकिन सूर्योदय से ठीक थोड़ा पहले देखा गया सपना कुछ दिनों के अंदर ही फल देने का संकेत दे देता है। स्वास्थ्य चेतना, मैंने आपको गुड़हल के फूल के बारे में कुछ जानकारी दी थी, आज उस जानकारी को और पूर्ण करता हूं। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल का बड़ा विशेष महत्व होता है और गुड़हल के फूल का प्रयोग भी बहुत होता है। तो गुड़हल इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी जड़ों को पीसकर दवाई बनाई जाती है। गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति इसका रस पिए बिना बर्फ के, बिना चीनी के, तो बहुत लाभकारी होगा। गुड़हल के फूल का काढ़ा बनाते हैं जिससे कमजोर बच्चों के या दिमाग में ताकत आती है, उनकी याददाश्त तेज होती है। गुड़हल की चाय बनती है हिबिस्कस टी, तो गुड़हल की चाय क्रोध को, उन्माद को, गुस्से को बहुत कम कर देती है।
जोड़ों के दर्द से मुक्ति के लिए गुड़हल की कली, देखते होंगे ना गुड़हल की कली जो खिल बनी हुई होती है, सुबह सुबह उसका सेवन करना चाहिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। ताइवान के चुंगशॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं का ये कहना है कि गुड़हल के फूल का अर्क दिल के लिए उतना ही फायदेमंद होता है जितनी की चाय। तो अगर आप चाय पीते हैं गुड़हल की तो आपका हृदय मजबूत होता है। इस फूल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी वजह से दिमाग तेज होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रखने में मददगार होते हैं ये फूल। गुड़हल का फूल कफ और पित्त को भी शांत करता है। वैसे तो गुड़हल हर प्रकार से लाभदायक है, लेकिन एक चीज है, गुड़हल की कली का जो हरे हिस्से का सेवन होता है, ऊपर कली दिख रही है फूल वाली और नीचे जो हरे हरे हिस्से का सेवन होता है वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई भी कली खिल रही है तो इधर इर्द गिर्द हरा हिस्सा आ जाता है पत्ती वगैरह का, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और बाकी गुड़हल तो बहुत ही ज़्यादा, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ गुड़हल के फूल के बारे में कि गुड़हल की चाय पीने से तनाव से लड़ने की ज़बरदस्त ताकत आती है, इसीलिए बच्चों का कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है और एग्ज़ाम्स में बेहतर कर पाते हैं। और अब उनकी बात जिनकी है विवाह की वर्षगांठ। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि वहाँ बारंबार कोई समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी 12 महीने बहुत अच्छे हैं, तरक्की होगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, कुछ नई बड़ी खरीद फरोख्त भी होगी। घर के बुजुर्गों की ओर से थोड़ी सी परेशानी होगी, बाकी सब ठीक है। आपको विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलने का समय हो गया है, अच्छे अच्छे सपने देखिए आप भी आज रात को, और आपके बहुत सुंदर सपने हों और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुंदर सपने सच भी हैं। चलता हूँ, कहिए जरा राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। और अब करेंगे गुड मॉर्निंग खबरों के साथ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।